नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। बीजेपी के खिलाफ जदयू ने जागरूकता एवं सतर्कता मार्च निकाला। बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को यह मार्च निकाला गया है। इस दौरान जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कई बड़े नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। जदयू के कार्यकर्ताओं ने देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे भी लगाए। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बिहार सहित पूरे देश में बीजेपी उन्माद और तनाव फैला रही है। बीजेपी विभिन्न समुदायों को आपस में लड़ाना चाहती है ताकि सियासी लाभ मिल सके। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पर चर्चा ना हो, इसलिए यह सब बीजेपी कर रही है। केंद्र सरकार जनता का ध्यान अपनी नाकामियों से भटकाना चाहती है, लेकिन हम लोग यह नहीं होने देंगे। जनहित के मुद्दों को लेकर हम लोगों ने मार्च निकाला है। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान परेशान है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग तोता की तरह केंद्र सरकार कर रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पूनिया दौरे पर ललन सिंह ने कहा कि शाह पूनिया दौरे पर आए और जमकर जुमलेबाजी की। अमित शाह ने कहा कि पूनिया में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार सिर्फ झूठ बोल रही है, हम लोग उनकी पोल खोल रहे हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ललन सिंह ने बड़ा बयान भी दे दिया है। ललन सिंह ने कहा है कि बिहार में सभी 40 सीट हम लोग जीतेंगे। महागठबंधन पूरी तैयारी में लगा हुआ है। जनता अब बीजेपी के बहकावे में नहीं आएगी। जनता को हम लोग बीजेपी से सावधान कर रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि 2024 से पहले पूरा विपक्ष एक मंच पर आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी मुहिम में लगे हुए हैं, उनको सफलता भी मिलेगी। सब एकजुट हो जाएंगे तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जनता बहुत उम्मीद से महागठबंधन की तरफ देख रही है, जुमलेबाजों को सबक सिखा देगी। एक बार आप भी सुन लीजिए कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है। वो जो धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, उसका जवाब तो देना ना पड़ेगा। सर, एनडीए से अलग होकर उन्होंने कहा कि देश की जनता, बिहार की जनता उनके साथ अब देने वाली नहीं, चुनाव में आकर देख ले, कोशिश करते हैं। ये 2015 में भी देख चुके हैं, फिर देख लेंगे, चिंता मत करिए। आपके ट्वीट पर भाजपा घबरा गई है, लगातार आप ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। तो वो जुमलेबाजी करेंगे तो हम ट्वीट नहीं करेंगे। वो जुमलेबाजी करते हैं तो हम ट्वीट करते हैं, उनका सच्चाई जनता के सामने रख देते हैं। आपका सवाल का जवाब मिला था, बस यात्रा का सवाल का। कोई सवाल का जवाब वो नहीं देने वाले हैं। मेरा तो एक ही सवाल था, पूर्णिया का हवाई अड्डा बना है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो आपके गृह मंत्री जी ने आम सभा में कैसे कह दिया कि पूर्णिया का हवाई अड्डा बन के तैयार है। भाइयों, तालियां बजाओ, यही उनका शब्द है। तो अगर नहीं बना तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिहार की जनता से क्षमा मांगना चाहिए कि हमारे गृह मंत्री जी ने जुमलेबाजी कर दिया, इसलिए हम क्षमा मांगते हैं। सर, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, आप गए थे, बहुत राजनीति हम नहीं गए थे। सोनिया गांधी जी से, मुख्यमंत्री जी और लालू जी सोनिया जी से मिले थे, लेकिन आप तो दिल्ली में थे उस समय। हम दिल्ली में थे, जरूर थे। तो मुख्यमंत्री से बात हुई होगी कुछ खास? तो आपको पटना में आप हैं तो सब पटना का खबर आपके पास है क्या? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।